Now see here, we have seen that whenever we pass the current in a core, then what happens? There exists a magnetizing force, and magnetizing force ये करते क्या है कि इस core के अंदर में जितने भी आपके atomic magnetic dipoles है, atomic magnetic dipoles, ठीक है? How much means as many as atomic magnetic dipoles are there inside the core, those atomic dipole magnets they will get aligned, okay? They will get aligned. So ये आपका coil हो गया, है ना? आपका coil हो गया ये. और जितने भी एटॉमिक डाइपोल मैग्नेट्स हैं, जैसे मान लो कि ये वाला है, 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 सो दे आर ऑल गेटिंग व्हाट? दे आर ऑल गेटिंग अलाइन्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एच, बिकॉज करंट को क्या देने वाला है इसमें? करंट जो है अपने को मैग्नेटाइजिंग फोर्स देने वाला है, सो इट इज गेटिंग हियर, सी इट इज गेटिंग ऑल अलाइन्ड इन वन डायरेक्शन. मैग्नेटिक डाइपोल्स, अभी बहुत सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं बेटे, हाँ, तो दे आर गेटिंग बट दे आर गेटिंग अलाइंड इन वन डायरेक्शन, दे आर गेटिंग अलाइंड इन वन डायरेक्शन, दे आर गेटिंग अलाइंड इन वन डायरेक्शन. सो दे आर हाउ मेनी टर्न्स? एन टर्न्स आर देयर, ओके, एन टर्न्स आर देयर, एंड करेंट पास इज इक्वल टू आई. नाउ इस केस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि इफ ऑल द मीन्स दिस atomic dipoles are getting aligned in all in one direction, then we define hai na, we define now m. what is m? m ko bolte hain hum log magnetization, m ko bolte hain hum log magnetization. magnetization is defined as total magnetic moment per unit volume. टोटल मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम मान लो छोटा वॉल्यूम हमने ले लिए डेल वी, और इसके अंदर मान लो कि टोटल मैग्नेटिक मोमेंट अगर एम आई है, सिग्मा मतलब सम ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ ऑल द मैग्नेटिक डाइपोल्स इन अ स्मॉल वॉल्यूम डेल वी, तो दिस मैग्नेटिक मोमेंट को डेल वी के साथ रेशियो अगर करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा यहाँ पर? मैग्नेटाइजेशन नाम की चीज आ जाएगी, मैग्नेटाइजेशन नाम का स्ट्रेंथ आ जाएगा. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टर्म इन दिस चैप्टर ऑफ मैग्नेटिज्म. Now you all know what is the unit of this dipole moment. Yes, it is nothing but it is ampere, okay, ampere into meter square. And what is the unit of the volume? It is meter cube. Now this gets cancelled, so it becomes ampere upon meter. Followed, it becomes ampere upon meter. Now one of the this thing you should know it. And second thing is that. And second thing you should know it here, that you know that for example you should know this important thing, that if you are having say this particular core, like you can say we are having this core like this, you know, just we are having this iron like this iron, we are having this iron, okay. Now see, try to understand this thing, because I'm going very slow, that you should every concept should be clear to you. ये आयरन का एक स्लैब है, और इस आयरन के स्लैब में हमने जो है वाइंडिंग्स ऐसे करके लगा दिए इसमें. मान लो कि वाइंडिंग्स हमने ऐसे करके लगा दी, हमने क्या किया, वाइंडिंग्स को हमने ऐसे करके लगा दी, बहुत सारे मतलब कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर की वाइंडिंग्स ऐसे लगा दी, और हम इस वाइंडिंग्स में सभी में क्या होता है कि आई स्टार्ट सेंडिंग द करेंट. तो मैंने जैसे ही करंट आई अगर बाय द वे इसमें सेंड किया है, तो इसके अंदर ये कोर के अंदर में क्या बनने वाला है? देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स. और ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स करते क्या है कि हर एक यहाँ पर, जैसे मान लो कि मैं बहुत सारे एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल को अगर लूँ, तो ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स करता क्या है इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर, है ना? व्हाट डज दिस मैग्नेटाइजिंग फोर्स डज, राइट? So see here that if I take some lots number of atomic magnetic dipole, then what does this magnetizing force does? तो आपको दिखेगा at once कि ये जैसे करंट अपने ऊपर जैसे गया, तो करंट ऊपर गया तो देखो यहाँ पर जैसे ये हमारी जो curling fingers है, it gives the direction of the current, then this thumb gives the direction of the magnetizing force, ठीक है? Thumb को क्या बोलेंगे? जो thumb तो थंब है, इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एच, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द एच. तो इस केस में क्या होते हैं, एटॉमिक डाइपोल्स भी तो इसके साथ अलाइन होंगे,
तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा कि उसका जो उसमें क्या होगा, जैसे मान लो कि तुमको बताया था मैं उस दिन में, ठीक है, कि यहां पर जो है, यहां पर जो है बाय द वे, कि आपका एक इलेक्ट्रॉन जो है मान लो मूव कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रकार से वेलोसिटी से मान लो कि ये चारों तरफ घूम रहा है, देन द इक्विवेलेंट करंट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन. दिस इज बीन क्लियर टू यू और नॉट? दिस करंट वॉज नोन एज योर मैग्नेटाइजिंग करंट और बाउंड करंट, इसको बोला था मैं. तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो कि यहां पर ये वाली पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस और ये वाला इलेक्ट्रॉन है, दैट इज द नेगेटिव चार्ज. तो इलेक्ट्रॉन भी घूमने के कारण उसकी जो, अब इसकी इसकी जो मैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट है, देखो हाथ से देखो करंट की डायरेक्शन में कर्लिंग घुमाओ, देखो क्या हो जाएगा फिर, द मैग्नेटिक मोमेंट विल बी समवट हियर. ओके, तो इसकी भी मैग्नेटिक मोमेंट क्या क्या होगी, एज के डायरेक्शन में पॉइंट होगी, एज के डायरेक्शन में पॉइंट होगी. तो इसका मतलब इसका करंट का डायरेक्शन क्या होगा फिर बताओ, यहां पर आई करंट भेजे तो एज कहाँ हो गया, यहाँ, तो मतलब इधर मैग्नेटिक मोमेंट होना है. सो दिस मैग्नेटाइजिंग करंट विल बी एग्जिस्टिंग ड्यू टू एटॉमिक डायपोल, देयर एग्जिस्ट अ मैग्नेटाइजिंग करंट दैट इज बाउंड इन द ऑर्बिट्स ओनली. ये करंट छोड़ के नहीं जा सकता है, ये ऑर्बिट्स तक ही इसकी बाउंडेड है, इसलिए हम बाउंड करंट या मैग्नेटाइजिंग करंट बोलते हैं. और इसकी डायरेक्शन क्या होगी इसमें, अगर मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की डायरेक्शन में है तो करंट विल बी लाइक दिस, दैट इज द बाय द हेल्प ऑफ योर कर्लिंग फिंगर्स यू कैन पुट इट द डायरेक्शन टू बी इन द एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन. तो आपको दिखेगा यहां पर देखो कि ये आपकी क्या हो जाएगी, दीज आर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट दैट यू कैन शो इट वेरी नाइसली. ओके, ये जो है दीज आर द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटाइजिंग करंट, यू कैन शो इट वेरी वेरी नाइसली. तब ये मैग्नेटाइजिंग करंट आपने तो शो शो किया, तो दीज ऑल आर मैग्नेटाइजिंग करंट. नाउ यू टेल मी व्हाट इज हैपन इन द बाउंड्री, बाउंड्री में क्या हो रहा है. देखो ये वाली करंट ऊपर की डायरेक्शन में होगा और ये वाली करंट ऐसे जाके ऊपर जाएगा, और ये वाली करंट ऐसे, देखो ये वाली करंट मैं दिख रहा हूँ, ये वाला करंट मान लो कि ऐसा ऊपर गया, और ये वाला करंट जो है इस प्रकार से ये ऐसा करके नीचे में आया. तो इसका मतलब ये जब यहां पर आएगी तो ये दोनों करंट आपस में क्या होंगे, दोनों करंट क्या होंगे आपस में, दे विल गेट कैंसिल. देखो एक ऊपर से नीचे जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, एक ऊपर से नीचे आ रहा है. सो दे विल गेट व्हाट, दे विल गेट कैंसिल्ड हियर. तो कैंसिल होने से दे विल गेट कैंसिल, मतलब इसकी बाउंड्री करंट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी. यहाँ बाउंड्री कैंसिल कैंसिल, यहाँ बाउंड्री, यहाँ बाउंड्री, यहाँ बाउंड्री, यहाँ बाउंड्री, ये सारे बाउंड्रीज के करंट क्या क्या होंगे कि आपको मालूम है कि एक करंट ऊपर जा रहा है और एक करंट नीचे आ रहा है, दोनों करंट क्या हो जाएंगे, दोनों करंट क्या हो जाएंगे, दे विल ऑल कैंसिल, दे विल ऑल गेट कैंसिल एट दी बाउंड्री, दे विल ऑल गेट कैंसिल एट दी बाउंड्री. तो ये बाउंड्री में कैंसिल होंगे तो, लेकिन सरफेस में तो कैंसिल नहीं हो सकता भाई. ये देखो ये करंट तो ये सरफेस में तो इस प्रकार से जाएगा, ये है ना, ये करंट ये सरफेस में तो ऐसे जाएगा, ये सरफेस में तो ऐसे जाएगा, है ना. तो देखो यहां पर मैं तुमको बता रहा हूं कि सरफेस में ये करंट जो है कैंसिल नहीं हो सकते, सरफेस में देखो ये करंट जो है कैंसिल नहीं हो सकते, सरफेस में करंट कैंसिल नहीं हो सकता है. तो मैग्नेटाइजिंग करंट का रहने का जगह क्या है, ऑन द सरफेस ऑफ द शीट, ऑन द सरफेस ऑफ दिस आयरन. तो सरफेस ऑफ द आयरन में हमारा ये मैग्नेटाइजिंग करंट रहता है. तो इस केस में अगर मैं कहूं कि पूरी, मतलब ये पूरा का पूरा, ये वाला तो बाहर का आपको दिख रहा, पूरे अंदर में भी शीट्स में क्या होंगे, मैग्नेटाइजिंग करंट पक्का होंगे, है ना. यहां पर भी आपको क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइजिंग करंट, यहां भी मैग्नेटाइजिंग करंट, यहां भी पूरी बार में क्या हो जाएगी, शीट में क्या हो जाएंगी, देयर इज अ प्रेजेंट ऑफ द मैग्नेटाइजिंग करंट. और ये मैग्नेटाइजिंग करंट और सारी एटॉमिक डायपोल को आपने अलाइन भी कर दी है, सारी एटॉमिक डायपोल को आपने अलाइन भी कर दी है, तो आप देखते हो कि दीज देयर, ये बीच में जो काला काला है ना, ये काला काला है ना, दीज ऑल आई एम सेइंग दे आर ऑल मैग्नेटाइजिंग करंट. काला काला जो भी ब्लैक कलर का है ये मैग्नेटाइजिंग करंट है. तो आप एक मान लो पात लो, एक तार लो और इसके अंदर घुसाओ, घुसा करके ऐसे करके गोल से आप निकालो. तो आप गोल से अगर ये ऐसी तार आप निकालते हो ऐसी, इस प्रकार से निकालते हो ऐसी, और फिर ये अंदर अंदर आपने गए, तो इसमें आप फिर से एम्पियस सर्कुटेल लॉ अप्लाई कर सकते हैं. वी कैन नाउ मेक एम्पियस एम्पियस सर्कुटेल सर्कुटेल लॉ फॉर एम, और ये कर सकते हैं कि द लाइन इंटीग्रल, द क्लोज लाइन इंटीग्रल, बाहर तो एम जीरो है, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ एम अलोंग दिस पाथ
The closed line integral of M along the path, that is dl, is nothing but what is the current enclosed now? M ke saath kaun sa current rahoga? Yes, it is nothing but magnetizing current, or you can say it is the bound current. Theek hai? It is nothing. It is the magnetizing current, or you can say it is the bound current. You can say it. Okay. We can say about the magnetizing current or bound current. So in the next video, I will tell you what is the relationship between BH and M.